नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत। बता दूँ आप लोगों की एक बड़ी अपडेट आई है। आप लोगों को मैंने दो वीडियो बताया था बिहार बोर्ड सेंट्रल इंस्पेक्टर स्कीम के बारे में, और कितने सारे कमेंटर, लगभग 500 से लेकर 600 बच्चों ने कमेंट किया था सर मेरा नाम इस लिस्ट में आ चुका है। बता दूँ कि बिहार बोर्ड इस बार आपको सेंट्रल सेक्टर हर साल की तरह इस बार योजना आपको लाई थी, जिसमें आपको 10,000 और 20,000 रुपया पर ईयर मिलने की पूरी संभावना रहती थी, ठीक है। और अगले साल बहुत बच्चों को मिली भी थी 2018 में। तो मैंने दो वीडियो बतानी थी और मैंने बताया था कि किस तरह क्या क्या करना है और आगे क्या करना होगा। और फिर से मैं बताता हूँ इसमें कि आप जो है सो एक लिंक बिहार बोर्ड ने दे दी है आपको। मैंने बोला था कि आपको एक अप्लाई करने के लिंक बहुत जल्द आएगी। हाँ दोस्तों, ये अप्लाई करने की लिंक जो है सो आ चुकी है आपको बिहार बोर्ड के ऑफिस साइट पर, लिंक फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए। आपको मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या होगी, लेकिन प्रोसेस के पहले एक शॉर्ट के रूप में हम बात कर लेता हूँ बिहार बोर्ड सेंट्रल स्कीम होता क्या है। चलिए, जो उन लोग नए जुड़े हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, बिहार बोर्ड सेंट्रल स्कीम उसको बोलते हैं कि बिहार बोर्ड हर साल के जो बच्चे जनरल में 80% से अधिक लाते हैं या फिर एससी एसटी ओबीसी के अलग अलग कट ऑफ निकालती है, उस कट ऑफ के तहत उसके अंदर में आते हैं, तो उन्हें आपको पर ईयर में 10,000 रुपया शुरू में लगभग 3 साल के लिए दिया जाता है। उसके बाद प्लस स्कूल से 25,000 मिलता है सो एक्स्ट्रा, प्लस में 10,000 मिलता है सो पर ईयर सो एक्स्ट्रा। उसके बाद भी आपको एमएससी करने का फिर से अप्लाई कीजिएगा तो फिर आपको 20,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। 100 वाले चक्कर यहाँ पर है। तो उसके लिए आपको जो है सो बिहार बोर्ड ने अपने लगभग 833 पेज में एक लिस्ट जारी कर दी थी। उसमें आपको पहले नाम चेक करना पड़ेगा, उस नाम के अंदर में आप आते हैं तभी इसके लिए एलिजिबल है, मतलब फॉर्म भरने के लिए। तो पहले आप लोग को नाम चेक करनी पड़ेगा। सबसे पहले चलता हूँ मैं डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर। अगर आप वेबसाइट पर दोस्तों आएंगे, यहाँ देखिए वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड के ऑफिस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ एक लिंक आ रहा होगा। यहाँ पर फिर से अपडेट करेंगे तो मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिंक आती है एनएसपी के लिए, ठीक है, मैं भी दिखा देता हूँ फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर दो लिंक आएगी, एक लिंक आएगी लिंक फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, और एक लिख आएगा लिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। तो आपको लिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट पर क्लिक कर लेनी है। मैं दोस्तों आपको दोबारा इसलिए बता रहा था कि जो भी बच्चे नए जुड़े हैं जिनको समझ में नहीं आ रही है मेरी बात, उनको दोबारा समझ में आ जाए। तो ये देखिए एनएसपी के यहाँ पर जो है आपको पीडीएफ फाइल लगभग 5.5 MB की है, उसे आप डाउनलोड कर लेते हैं। डाउन करने के बाद आपको अपना नाम इसमें चेक करनी पड़ेगी। अगर आपकी इसमें नाम आती है तो फिर आगे क्या करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर लिस्ट में, ये देखो ये लिस्ट है लगभग 833 पेज की, लगभग 833 पेज की लिस्ट है। इसमें आपको नाम चेक कर लेनी है और नाम के लिए कुछ नहीं करना है, इसे सर्च बॉक्स में सर्च करनी है। मान लीजिए मैं किसी का हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ एक का नाम। अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर SOURAVI सौरभ कुमार, सर्च करते हैं यहाँ, देखिए अगर मेरी लिस्ट में अगर नाम होगा तो ये दिखा देगा कि हाँ सर आपका यहाँ पर नाम है। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखा चुका है कि मेरे भाई का हो चुका था 11 पटना में, आपको सौरभ कुमार के नाम से बिनोज है। यहाँ मैंने पहले भी दिखा दिया 82.4% था तो उनको हो गया था। चलिए तो अब मैं बात करता हूँ करना क्या है उसके आगे में। तो यहाँ देखिए उससे करने के लिए फिर आपको लिंक यहाँ पर मिलता है एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ देखो लिंक एक आ रही है, लिंक फोर आपको एलिजिबल करने के लिए एनएसपी की। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर खामियाजा ये है, मैं दिखाता हूँ खामियाजा ये है कि ये जो लिंक है वो आपको काम नहीं करेगी अपने खुद से, उसके लिए आपको कॉलेज जानी पड़ेगी। यहाँ देखिए अगर टिपते हैं आप लिंक फोर एनएसपी के लिए तो सेंट्रल सेक्टर से टिकते ही, मतलब इसको आप क्लिक करते ही क्या होगा, आगे सामने एक वेबसाइट यहाँ पर खुल के आ जाएगी और वहाँ कहेगा आपको लॉगिन करने के लिए और आपसे यहाँ पर अप्लीकेशन, यहाँ देखिए आपको इसमें कहेगा एकेडमी ईयर चुनने के लिए। तो अगर आप इसमें 2019 से 20 चुनते एकेडमी ईयर, तो यहाँ से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है और यहाँ कह रहा है कैप्चा कोड करके लॉगिन करने के लिए। और ये जो फॉर्म है आपको यहाँ नहीं भराएगी, ये फॉर्म आपको स्कूल से ही फिलअप करनी पड़ेगी या फिर इंस्टीट्यूट से भी आपको जो फॉर्म जो है वो फिलअप करनी पड़ेगी। और यहाँ देखिएगा भाई कि लॉगिन फॉर स्कूल इंस्टीट्यूट, मतलब ओनली लॉगिन इन स्कूल और इंस्टीट्यूट। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो आपको लिस्ट में जो नाम आया है उसका प्रिंट आउट निकलवा कर या फिर उसका पीडीएफ लेकर आपको अपने स्कूल में जाना पड़ेगा और स्कूल वाले यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ कह दिया, निर्देश दिया गया है कि ओनली ये लॉगिन होगा आपको एनएसपी का लॉगिन करने के लिए स्कूल या इंस्टीट्यूट से। तो आपको प्रिंट आउट निकलवा कर या फिर पीडीएफ फाइल ही लेकर आपको जानी पड़ेगी स्कूल के अंदर में या फिर कॉलेज के अंदर में, वहाँ जाकर दिखाना पड़ेगा आपको कि सर मेरा ऐसे ऐसे हो गया है। वो लॉगिन करके आपको अंदर फॉर्म भर देंगे और उस फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ दिन के बाद फिर से एक लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट के बाद उसमें आपको नाम अगर आएगा तो आपको पैसा हर मंथ प्रोवाइड हो जाएगा, आपका अकाउंट नंबर अपडेट करके हर मंथ आपको मतलब पैसा प्रोवाइड हो जाएगा। अगर इसके आगे कोई भी अपडेट अगर आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा दोस्तों। इसके लिए आपको एक काम करनी है, बस मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर समय आपको अपडेट मिलती है, कुछ भी अगर अपडेट आएगी तो आपको अपडेट वहाँ मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले पे क्लिक कीजिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी, तो वो भी दोस्तों कर लीजिएगा। जो ऐसी अपडेट आती है मैं आपको लाकर सबसे पहले दूंगा। तो दोस्तों विदा साथ में फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।